हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ समर और आप देख रहे हैं समर कंप्यूटर नॉलेज दोस्तों आज का टॉपिक है नोटबुक तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है व्हाट इज नोटबुक कंप्यूटर यानी नोटबुक कंप्यूटर क्या है ए नोटबुक कंप्यूटर इज आल्सो लाइक ए लैपटॉप कंप्यूटर यानी नोटबुक कंप्यूटर लैपटॉप कंप्यूटर की तरह होता है नोटबुक कंप्यूटर आर वेरी स्मॉल इन साइज एंड आर आल्सो लाइट वेट यानी नोटबुक कंप्यूटर साइज में छोटा होता है और हल्का भी होते हैं ड्यू टू व्हिच यू कैन कैरी नोटबुक कंप्यूटर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर वेरी इजीली इसलिए नोटबुक कंप्यूटर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत ही आसान है द नोटबुक हैच एंड इंटीग्रेटेड डिस्प्ले कीबोर्ड टचपैड प्रोसेसर बैटरी कैमरा माइक्रोफोन एंड हार्ड डिस्क यानी एक नोटबुक कंप्यूटर में डिस्प्ले रहता है कीबोर्ड रहता है टचपैड रहता है प्रोसेसर बैटरी कैमरा माइक्रोफोन और हार्ड डिस्क भी रहता है इट इच ए बैटरी और ए सी पावर्ड पर्सनल कंप्यूटर यानी नोटबुक कंप्यूटर जो होते हैं वो बैटरी और ए सी पावर्ड होते हैं और उसे पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं टाइपिकली टाइपिंगली लेस देन फाइव पाउंड्स एंड ईच थ्री इंचेस और लेस इन थिकनेस यानी आमतौर पर नोटबुक की जो वेट होता है वो फाइव पाउंड्स से कम होता है और जो मोटाई होता है वो थ्री इंच या थ्री इंच से कम होता है एच पी यानी हेलवाडपाकर्ट आई बी एम एपेल कॉम्पैक डेल एंड थोसिबा ऑल दिस कंपनीज मैन्युफैक्चर नोटबुक्स यानी इन सब कंपनियों ने नोटबुक को मैन्युफैक्चर करता है तो ये था नोटबुक कंप्यूटर क्या है उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हिस्ट्री ऑफ नोटबुक कंप्यूटर यानी नोटबुक कंप्यूटर की हिस्ट्री क्या है द फास्ट नोटबुक कंप्यूटर वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन नाइनटीन यानी पहला जो नोटबुक कंप्यूटर था वो 1981 पर इंट्रोड्यूस्ड हुआ था उसके बाद अगला क्वेश्चन यूजेस ऑफ नोटबुक कंप्यूटर यानी नोटबुक कंप्यूटर की यूज क्या है नोटबुक कंप्यूटर्स आर यूज इन टेम्पोरिरी स्पेसेस सच एच एयरप्लेन्स इन लाइब्रेरीज एडुकेशन गेम कम्युनिकेशन ऑफिस एंड एट मीटिंग्स इट सी यानी नोटबुक का यूज एयरप्लेन लाइब्रेरी एडुकेशन गेम खेलने में कम्युनिकेशन करने में ऑफिस पर या मीटिंग पर यूज कर सकते हो तो ये था यूजेस ऑफ नोटबुक कंप्यूटर उसके बाद अगला क्वेश्चन एडवांटेज ऑफ नोटबुक कंप्यूटर यानी नोटबुक कंप्यूटर के क्या क्या एडवांटेज होते हैं तो पहला पॉइंट इट इज पोर्टेबल यानी नोटबुक कंप्यूटर पोर्टेबल होता है इससे कहीं पर भी ले जाना बहुत ही आसान होता है उसके बाद अगला पॉइंट इट इज लाइट वेट यानी नोटबुक कंप्यूटर बहुत ही हल्का होते हैं उसके बाद अगला पॉइंट इंटरनेट एक्सेस यानी नोटबुक कंप्यूटर पर इंटरनेट एक्सेस रहता है उसके बाद अगला पॉइंट स्मॉल इन साइज यानी नोटबुक कंप्यूटर साइज में छोटा होता है उसके बाद अगला पॉइंट स्पीड इज हाई यानी नोटबुक कंप्यूटर की जो काम करने की स्पीड है वो तेज़ है उसके बाद अगला पॉइंट ऑफलाइन ऑपरेशंस यानी नोटबुक कंप्यूटर पर आप ऑफलाइन भी काम कर सकते हो उसके बाद अगला पॉइंट रानस द सेम सॉफ्टवेयर एज ए डेस्कटॉप पीसी यानी डेस्कटॉप पर जो सॉफ्टवेयर यूज होते हैं वो सॉफ्टवेयर नोटबुक पर भी रन हो सकता है तो था कुछ एडवांटेज ऑफ नोटबुक कंप्यूटर उसके बाद अगला क्वेश्चन डिसएडवांटेज ऑफ नोटबुक कंप्यूटर यानी नोटबुक कंप्यूटर की क्या क्या डिसएडवांटेज होते हैं तो पहला पॉइंट है मोर एक्सपेंसिव यानी नोटबुक कंप्यूटर बहुत ही महंगा होते हैं उसके बाद अगला पॉइंट है लिमिटेड बैटरी बैकअप यानी नोटबुक कंप्यूटर के भी बैटरी बैकअप एक लिमिटेड है उसके बाद अगला पॉइंट सिक्योरिटी इशू यानी नोटबुक कंप्यूटर पर भी सिक्योरिटी की इशू होता है उसके बाद अगला पॉइंट है डैमेज इफ़ ड्रॉप्ड यानी नोटबुक कंप्यूटर ड्रॉप होने पर आसानी से डैमेज हो जाता है उसके बाद अगला पॉइंट है डिफ़िकल्ट टू अपग्रेड यानी नोटबुक कंप्यूटर को अपग्रेड करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है उसके बाद अगला पॉइंट है डिफ़िकल्ट टू रिपेयर यानी नोटबुक कंप्यूटर को रिपेयर करना भी बहुत ही डिफ़िकल्ट है उसके बाद अगला पॉइंट है मेंटेनेंस कॉस्ट इज हाई यानी नोटबुक कंप्यूटर की जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो ज़्यादा है तो ये था कुछ डिसएडवांटेज ऑफ नोटबुक कंप्यूटर तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों आप लैपटॉप क्या है जानना चाहते हो तो एंड स्क्रीन पर लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करना और डेस्कटॉप क्या है जानना चाहते हो तो एंड स्क्रीन पर राइट वाली वीडियो पर क्लिक करना और ऐसे ही कंप्यूटर नॉलेज बढ़ाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना